लो भैया, किससे गाड़ी चलाओ ना। अरे मैडम, दिल्ली के अंदर ऐसे ही गाड़ी चलती है। पर आप गाड़ी चला रहे हो या वीडियो गेम खेल रहे हो? कहीं पे भी कभी भी टर्न कर देते हो। अरे हमें तो ऐसे ही आती है। अगर आपको इतना शौक है तो लो, आप चला लो वीडियो गेम। ऑटो साइड पे लगाओ। क्या बात है मैडम? साइड पे लगाओ, मैंने कहा ना। पर बात क्या मैडम? चलो पीछे आ जाओ, मैं तुम्हें दिखाती हूँ गाड़ी कैसे चलाते। अरे अरे मैडम, आप तो बुरा मान गई, मेरा वो मतलब नहीं था। अच्छा, तुम्हें ड्राइविंग सीखनी है ना, मैं सिखा देती हूँ। वैसे भी यहाँ से पुलिस स्टेशन ज्यादा दूर नहीं है, बड़ी आसानी से ले जाऊंगी तुम्हें वहाँ। अरे सॉरी मैडम, गलती हो गई, वैसे भी मैं किसी और का ऑटो चलाता हूँ, मेरी नौकरी चली जाएगी। तुम जैसे लोगों को ठीक करना मुझे आता है, चलो पुलिस स्टेशन। मैडम मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, आइंदा से गलती फिर कभी नहीं होगी, भगवान कसम। तो फिर एक जिम्मेदार इंसान की तरह गाड़ी चलाना सीखो। और सुनो, लड़की से बात करते वक्त यहाँ देखा करो, समझे? चलो। थैंक यू मैडम। हाय। I left my job. What? क्यों? यही फ्रीक्वेंसी रहे ना जॉब छोड़ने की, तो तुझे कहीं काम नहीं मिलने वाला है। तो क्या मैं भी तेरी तरह मॉडल बन जाऊं? एक बार हाँ तो बोल, मैं तुझे मिलवाऊंगी फोटोग्राफर से, कोऑर्डिनेटर से। वर्क शुड ऑलवेज बी फन। देख, जब तक मुझे मेरा पैशन, मेरा आइडियल जॉब नहीं मिल जाता। यू नो, मैं तुझे एक साल से जानती हूँ और अब तक मैं ये नहीं समझ पाई हूँ कि तेरे आइडियल जॉब क्या है। देख, अल्टीमेटली मुझे मम्मी पापा के नाम पर एक एडवेंचर ट्रैवल एजेंसी शुरू करनी है चंडीगढ़ में, पर उसके लिए पैसे चाहिए जो फिलहाल मेरे पास है नहीं। डिफरेंट और चैलेंजिंग? एब्सोल्युटली, डिफरेंट होना सबसे जरूरी है। यू नो व्हाट, क्यों, क्या हुआ? इसमें तो वो सारी क्वालिटीज हैं जो तुझे अपने आइडियल जॉब में चाहिए, नहीं? Are you serious? You know, जब सबसे पहले मैंने ये ऐड देखा तो मेरे दिमाग में कौन आया? तू। तुझे गाड़ियाँ कितनी पसंद हैं, especially SUVs, और वो adventurous spirit तो तुझ में है ही। I think you're gonna make a great driver. तू मेरा मजाक उड़ा रही है। बातें करना बहुत आसान होता है, लेकिन कुछ करके दिखाना, now that is something else. और अगर सच में ही तुझे कुछ डिफरेंट चाहिए तो इससे ज्यादा डिफरेंट तुझे और कुछ नहीं मिलेगा। तू मुझे चैलेंज कर रही है? Going by the ad, इससे ज्यादा चैलेंजिंग भी तुझे कुछ नहीं मिलने वाला है। ठीक है, अब देख तू तानिया की एडवेंचरस स्पिरिट। We shall see. बस इधर ही रुक। कितना हुआ? 60 रुपया हो गया जी। अरे भाई, अरे यहाँ छोरी के कर लाग रही है। अरे भाई पूछ लो, कहीं ब्यूटी पार्लर का रास्ता तो नहीं भूल गई? तानिया, हैव यू गॉन मैड? तू क्या कर रही है इन मॉन्स्टर्स के बीच? चल यहाँ से। हाँ जाओ तानिया, यू ऑलवेज टेक द इजी रूट एनीवे। कहना बहुत आसान होता है पर करना बहुत मुश्किल। मजा तो तब आएगा जब तुम वाकई कुछ डिफरेंट काम करके दिखाओगी। जिंदगी में आए हो कुछ ऐसे करो काम, वो ये करे मैं वो करूं, वखरे वखरे काम। लड़का बनाता खाना और लड़की भी दी जा, दोनों में है टैलेंट और दोनों का ही नाम। आपकी क्या हेल्प कर सकते हैं? मैं यहाँ इंटरव्यू देने आई हूँ। देखिए मैडम, ये कोई मिस इंडिया की लाइन नहीं है। ये ड्राइवर की जॉब के लिए लाइन लगी हुई है यहाँ पे। मैं यहाँ ड्राइवर के जॉब के लिए आई। क्यों सुबह सुबह मजाक कर रही हैं मैम? ये रहा मेरा सीवी, मिस्टर कपूर को दे देना। क्या आप वाकई सीरियस हैं? आप यहीं वेट कीजिए, मैं भी आता हूँ। अरे आप लोग लाइन में लगिए भाई, ये कोई सिनेमा हो रहा है क्या? पूरा 26 साल का ड्राइविंग इनएक्सपीरियंस है हमारा। बैलगाड़ी से लेकर के बेंटले तक सब चलाई है हमने, और आज तक हमारे हाथ से सिर्फ 2.5 एक्सीडेंट हुए। 2.5 जी? 2 बार तो दूसरी गाड़ी से जा लगी और 1 बार तो हम ही से जा लगी खंबे पे। अब
दूसरी पार्टी इन्वॉल्व नहीं थी तो इसे फुल तो नहीं कह सकते ना, आप ही हुआ, मगर गाड़ी को जरा भी नुकसान नहीं हुआ। और रही बात जान की, तो आपके सामने सही सलामत खड़े हैं हम। बहुत बढ़िया, इनएक्सपीरियंस है आपका। हम ऐसा करते हैं, आपको एक दो दिन में बताते हैं। हाँ सर, वो क्या है, कल फ्राइडे है और फ्राइडे को हमारा मौन व्रत रहता है। बेस्ट होगा कि आप हमें सैटरडे को बताएं, एकदम फिट रहते हैं हम सैटरडे को। हाँ ठीक है ठीक है, हम आपको सैटरडे को ही फोन करेंगे। मेंशन नॉट सर। कहाँ कहाँ से कार्टून आ रहे हैं सुबह से। मुझे लगा था ये सेंसेशनल एड पढ़ के एमबीएस की लाइन लग जाएगी, पर एमबीएस और ग्रेजुएट्स तो छोड़ो, अभी तक एक हाईस्कूल पास आउट तक नहीं आया। कहाँ से लाएंगे इस अंडरटेकर के लिए ड्राइवर। क्या करे भाई, अपना पोता ही ऐसा है। सर वो ताने बड़ा मई है। अरे यार, अब क्रेडिट कार्ड वाले घर भी आने लग गए। नहीं सर, वो तो ड्राइवर की जॉब के लिए आई है। क्या अंदर भेजो मैंगो कह रहा था कि आप यहाँ कोई जॉब इंटरव्यू के लिए आई हैं। यस। देखिए, ये कोई व्हाइट कॉलर जॉब नहीं है, ये इंटरव्यू एक ड्राइवर के जॉब के लिए है। जहाँ तक मुझे याद है, आपने किसी सेल्स या मार्केटिंग जॉब के लिए तो ऐड दिया नहीं था। Please excuse us for being so surprised. Actually, हमने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई लड़की इस जॉब के लिए अप्लाई करेगी। Pardon my saying this, sir, पर आपको नहीं लगता ये थोड़ा hypocritical है? I mean, आजकल की दुनिया में अगर लड़का मेकअप आर्टिस्ट हो सकता है तो लड़की ड्राइवर क्यों नहीं हो सकती। अगर लड़कियां एस्ट्रोनॉट्स बन सकती है तो ड्राइवर भी बन सकती है। एंड स्टैटिस्टिकली स्पीकिंग, लड़कियां लड़कों से 37.58% कम एक्सीडेंट्स में इन्वॉल्व होती हैं। ऐसा मैंने कहीं पढ़ा था। ऑनेस्टली तानिया, मुझे तुम्हारी ये बाकी लड़कियों की काबिलियत पे कोई डाउट नहीं है, और वैसे तुम्हारा ये जो सीवी है ये तो बहुत ही इम्प्रेसिव है, पर इतनी क्वालिफाइड होने के बावजूद भी तुम ये जॉब क्यों करना चाहती हो? एक्चुअली इसके दो रीजंस हैं। फर्स्टली, आई लव एसयूवीज, और जब मैंने पढ़ा कि आई विल गेट अ चांस टू ड्राइव वन, तो शायद मुझे इससे ज्यादा इंसेंटिव की जरूरत ही नहीं थी। एंड सेकेंडली, कुछ लोग सोचते हैं कि मैं ये जॉब कर ही नहीं सकती, एंड आई हैव अ पॉइंट टू प्रूव टू देम। परफेक्ट, फिर तो आप सही जगह आई हो। पर एक बात बताइए, कैन यू ड्राइव? लेट मी टेक यू फॉर अ राइड ऑन द अदर साइड, आई कैन शो यू द होल वर्ल्ड बेबी इफ यू लाइक। जीजी ड्राइव इन बॉम्बे एवरी सिंगल नाइट एंड एवरी मॉर्निंग। ओह हो, वेरी इंप्रेसिव तानिया, वेरी इंप्रेसिव। थैंक यू सर। समझ लो ये जॉब तुम्हारा हुआ, बस दो छोटी सी कंडीशंस हैं। जी क्या? सबसे पहले तो तुम मुझे सर कह के नहीं बुलाओगी, दादाजी कहकर बुलाओगी। ओके। और दूसरा, वेरी इंपॉर्टेंट, तुम्हें एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होगा कि तुम ये जॉब 6 महीने से पहले नहीं छोड़ सकती। बोलो मंजूर है? फंस गई तानिया, तूने तो सोचा था कि ये जॉब लेके कुछ दिन पॉइंट प्रूव करके छोड़ देगी, पर यहाँ तो उल्टा ही हो गया। देखो तानिया, मैं जानता हूँ ये एक अनयूजुअल सी सिचुएशन है, इसलिए मैं तुम्हें एक अनयूजुअल ऑफर देता हूँ। तुम्हारी सैलरी होगी ₹50,000 पर मंथ प्लस वर्क्स एंड अलाउंसेस। हाँ, और अगर तुमने 6 महीने पूरे कर लिए तो मैं तुम्हें 6 महीने की सैलरी एज बोनस भी दूंगा। उसके बाद तुम चाहो तो यू कैन कंटिन्यू, या फिर कुछ भी इन पैसों से कर सकती हो, आगे पढ़ सकती हो, इन्वेस्ट कर सकती हो, व्हाटएवर यू विश टू डू।
एक्सीलेंट। मैं कल ही मैंगो को तुम्हारे पास भेज दूंगा, तुम्हें तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट दे देगा और साथ में वो तुम्हें डिजाइनर के पास भी ले जाएगा। अपनी पसंद की यूनिफॉर्म डिजाइन करवा लेना। ओके दादाजी, थैंक यू। ओके बाय। उस एड में लिखा था कि द ड्राइवर शुड बी कंफर्टेबल विद साइलेंस। वो ऐसा है कि अर्जुन, इनका पोता और मेरा दोस्त जिसकी गाड़ी आपको चलानी है, वो गाड़ी में मेडिटेशन करता है। मौन व्रत रखता है कभी कभी, अदरवाइज ही इज वेरी चिल्ड आउट। आपको मजा आएगा उसके साथ काम करके। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।